नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय मित्तल, मित्तल स्किन हेयर लेजर एवं कॉस्मेटिक क्लिनिक विद्याधर नगर जयपुर से। आज हम डैंड्रफ, जिसे मेडिकल टर्म में सीबोरिक डर्मेटाइटिस भी बोलते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। डैंड्रफ यानी स्कैल्प पे, स्कैल्प की स्किन पे पपड़ी जैसी निकलना, स्केलिंग होना, इचिंग होना, ये फंगल इन्फेक्शन की वजह से हो जाता है। एक मलेशिया फरफर नाम का एक इन्फेक्शन होता है, पिटारोस्पोरम ऑर्बिकल नाम का एक फंगल इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से ये सीबोरिक ग्लैंड्स में इन्फेक्शन होने की वजह से एक्सेसिव स्केलिंग होती है स्किन पे, जिसकी वजह से डैंड्रफ होता है। क्योंकि इसमें इचिंग होती है और रेडनेस होती है और डिसकम्फर्ट होता है, तो पेशेंट दिखाने के लिए सोचता है डॉक्टर को। डैंड्रफ और सीबोरिक डर्मेटाइटिस को स्किन स्पेशलिस्ट ही देखता है। डैंड्रफ जिन पेशेंट्स में होता है उनको हर सीजन में ये रिपीट भी हो सकता है, दोबारा भी हो सकता है। इसलिए डैंड्रफ ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसको कि अपन ये सोचें कि ये कब तक चलेगा। ये एक तरह का क्लीनिंग प्रोसेस है, अपने को डैंड्रफ के लिए शैम्पू और लोशन रेगुलर बेसिस पे चालू रखना होता है। शैम्पू लगाने का भी इसमें खास तरीका होता है। शैम्पू को सूखे बालों में अच्छे से जड़ों के अंदर लगाना है और 10 मिनट तक छोड़ना है डैंड्रफ के शैम्पू को। 10 मिनट तक छोड़ के उसको फिर अपने रूटीन शैम्पू से वॉश करें, तभी डैंड्रफ में अच्छा फ़ायदा आएगा। और डैंड्रफ के शैम्पू से वॉश करने के बाद भी कुछ लोशन आते हैं जिसको 40-50 बूंद सिर पर लगाना होता है। कुछ टैबलेट्स भी होती है, एंटी फंगल टैबलेट, जो डैंड्रफ को कंट्रोल करती है। मार्केट में जो अवेलेबल एंटी डैंड्रफ शैम्पू है वो हो सकता है इतना प्रोमिसिंग रिजल्ट ना दे, क्योंकि उनमें एंटी डैंड्रफ क्वालिटीज़ इतनी नहीं होती है। लेकिन जो मेडिकेटेड शैम्पू होते हैं वो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, उनमें एंटी फंगल शैम्पूज होते हैं जो डैंड्रफ को अच्छे से ठीक करते हैं, ख़त्म करते हैं। लेकिन खास बात यह है कि ये शैम्पू अपने को मेंटेनेंस के लिए हफ्ते में दो बार या एक बार 10 मिनट लगा के रखना होता है। ये ना सोचें कि ये कब तक लगाना है। जैसे आप अपना रूटीन शैम्पू लगा रहे हैं उसी तरीके से इस एंटी डैंड्रफ शैम्पू को भी कंटिन्यूस चालू रखा जा सकता है, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और अगर ज़्यादा डैंड्रफ हो, ज़्यादा स्केलिंग बन रही हो, ज़्यादा पपड़ी बन रही हो, तो लोशन और टैबलेट भी दी जाती है, जो कि आपका स्किन स्पेशलिस्ट देगा। डैंड्रफ को कई बार पेशेंट्स कंफ्यूज करते हैं। कुछ पेशेंट्स में ये सीबोरिक सोराइसिस होता है और स्कैल्प सोराइसिस होता है। स्कैल्प सोराइसिस में भी इस तरह का डैंड्रफ जैसी पपड़ी बनती है, पर वो मोटी पपड़ी बनती है, अब्रक जैसी कलर की पपड़ी बनती है, पूरे स्कैल्प पे थिक पपड़ी बनती है और स्किन पे भी लीजन्स होते हैं, तो ये सोराइसिस होता है। ये डैंड्रफ से अलग है, इसमें एक्सेसिव स्केलिंग ऑटोमेटिक चमड़ी के टर्नओवर बढ़ने की वजह से ऐसा होता है। और कुछ इसके दोनों के बीच की कंडीशन होती है जिसे कहते हैं सीबो सोरायसिस। दोनों ही कंडीशन में कुछ शैम्पू लोशन कंटिन्यूअली चालू रखना पड़ता है, उसे बंद नहीं करना है। क्योंकि जैसे हम शरीर की सफाई करते हैं, साबुन लगाते हैं या सिर के रूटीन में शैम्पू लगाते हैं, वैसा ही ये मेडिकेटेड शैम्पू होते हैं जिसको रूटीनली लगाना होता है। अक्सर पेशेंट्स ये सोचते हैं कि मैं ये शैम्पू कब तक लगाऊंगा, लेकिन कब तक का सवाल ये आंसर ये है कि रूटीन में आप शैम्पू लगाते रहें ताकि कोई दिक्कत ना आए। रेगुलर बेसिस पे आप शैम्पू लगाएं। एंटी फंगल टैबलेट की ज़रूरत होती है तो आपका स्किन डॉक्टर देगा। और शैम्पू को लगाने का प्रोसेस, शैम्पू ड्राई करते हैं एंटी डैंड्रफ शैम्पू, उसके बाद में आप पेशेंट्स कंडीशनर भी लगा सकता है। कंडीशनर को 10 मिनट छोड़ सकता है जिससे बाल रूखे ना हो, ड्राई ना हो। और कंडीशनर के बाद में वॉश करने के बाद में सूखा के हेयर सीरम लगा सकता है, जिससे बाल सॉफ्ट रहेंगे, मुलायम रहेंगे, ज़्यादा उलझेंगे नहीं और झड़ेंगे भी नहीं। एक पॉइंट ये भी है कि पेशेंट्स का ये मानना होता है कि डैंड्रफ की वजह से हेयर फॉल होता है, जबकि डायरेक्टली ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डैंड्रफ की वजह से बाल उलझने से, बाल खींचने से या खुजली चलने से बाल झड़ सकते हैं, पर डायरेक्टली डैंड्रफ की वजह से कोई बाल नहीं झड़ते हैं। तो इसके लिए ऐसा बिल्कुल ना सोचें, डैंड्रफ पूर्ण रूप से ठीक हो सकता है। आप बिल्कुल चिंता नहीं करें, दवा बराबर लीजिए। धन्यवाद।